हाउ टू मेक मनी इन कॉलेज के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन पता है एक बहुत कॉमन इशू है। वो इशू ये है कि वो सारे बहुत ही कॉमन टॉपिक्स बता रहे हैं, फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। उससे इशू क्या आ रहा है, बहुत लोग, पूरी भीड़ उन्हीं चीजों में जमा हो गई है, जिससे उसी चीज के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज निकालना या उसी चीज को सबसे इफेक्टिवली यूज करना बहुत ही कम होता जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसी अनकन्वेंशनल मनी मेकिंग ट्रिक्स बताऊंगा जो आप कॉलेज में यूज कर सकते हो, एंड यू कैन इजिली मेक 20 to 30,000 पर मंथ सिर्फ अपने दिन के 3-4 घंटे एट मैक्स देने से। पॉइंट नंबर 1, डाउट सॉल्विंग या फिर नोट्स मेकर। अब आपके दिमाग में आएगा, यार मेरे तो खुद के ही डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, बाकियों के कैसे करूंगा। नहीं, इतना मुश्किल नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर आपको डाउट सॉल्विंग करना होगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डाउट सॉल्विंग के पैसे देते हैं कि आप किसी और के डाउट सॉल्व करो तो यू कैन मेक मनी। और ये उसके लिए कितना आसान है जो अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज कर ले और उन लोगों के डाउट सॉल्व करे जो उसको ऑलरेडी आता है, तो उसके लिए बहुत ईजी है। और इसके लिए साथ में आई गेट पेड, तो मतलब मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं और ये पार्ट टाइम काम बहुत ही थोड़ी सी देर का है। साथ ही साथ नोट्स मेकिंग के लिए भी आप पैसे बना सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को नोट्स मेकिंग के लिए इंटर्न्स चाहिए होते हैं, जहां पे आप उनके लिए बस नोट्स बनाओ एंड यू गेट पेड। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको गूगल कर सकते हो और उसके ऊपर जाके रजिस्टर करके आप ये सब शुरू कर सकते हो अभी से। नंबर 2 पॉइंट है डिलीवरी एसोसिएट। डिलीवरी एसोसिएट में आप जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, इन सबके साथ मिलकर या इनमें से किसी एक के साथ एसोसिएट हो सकते हो एज अ डिलीवरी पर्सन, और इट इज अ पार्ट टाइम वर्क। साथ ही साथ आपको इसके पैसे भी मिलेंगे। यार अब ये ना कुछ कुछ लोगों के साथ में अच्छे से नहीं जाएगा कि यार ये कैसे बोल दिया, हम तो ये काम करेंगे ही नहीं। एक चीज का ध्यान रखो, जब आप कॉलेज में हो ना, कोई काम बड़ा या कोई काम छोटा नहीं होता है। जो भी चीज आपको एक्सपीरियंस गेन करने में और भी ज्यादा बेहतर बनाने में हेल्प कर रही है, पैसे दिलवाने में हेल्प कर रही है, उसको आप कर सकते हो, यही वो टाइम है। तो अगर आप सोच रहे हो कॉलेज की बात करने का, आप जरूर उसको कर सकते हो एंड रिस्पेक्टफुली कर सकते हो उस चीज को। साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, लाइक मैकडॉनल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग एटसेट्रा, जहाँ पे वो लोग जो बिल बना रहे होते हैं आप उसका काम भी ले सकते हो। दैट इज टोटली योर डिसीजन। नंबर 3 पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत ही कॉमनली आजकल इसका नाम आ रहा है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो और बहुत ही इजी तरीका है। आई वुड रादर से कि एक पैसिव इनकम तरीका है रादर देन एक्टिव इनकम तरीका। जैसे अभी मैंने एक रीसेंट वीडियो में बताया भी था कि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, इतने ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, उसके नंबर करोड़ों में है। सो इतने अगर लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं तो किसी ना किसी लिंक के थ्रू खुलवाए होंगे, किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू खुलवाए होंगे। सो आप भी ये काम कर सकते थे या कर सकते हो अभी भी, कि आपने अपना एक लिंक बनाया, आपने ज़ेरोधा से कॉन्टैक्ट किया, एंजल ब्रोकिंग से किया, अपस्टॉक से किया, अपना एक एफिलिएट लिंक बनवाया और उनका अकाउंट खुलवा दिया, तो लाइफ लॉन्ग आपको उनकी ब्रोकरेज मिलेगी या कोई फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, और वो अमाउंट 500 to 600 rupees होता है पर अकाउंट। तो इमेजिन करो, अगर आपने 10 अकाउंट खोल दिए, यू गेट 6,000 अपफ्रंट और 30-40-50% ब्रोकरेज भी अलग से आपको मिलती रहेगी, एंड दैट इज टोटली योर पैसिव इनकम। वो अपना ट्रेड करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उसकी ब्रोकरेज मिलेगी। तो दिस इज अ वेरी गुड वे। एफिलिएट मार्केटिंग किसी भी चीज में हो सकती है। ये आपकी मैंने बात करी है अभी सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट्स की। आप सोचो इसको अगर मैं एक्सपैंड करने पे आऊं तो कितने सारे प्रोडक्ट्स पे आप अपने खुद के लिंक्स लगवा कर दूसरों को वो दे सकते हो, जहां से वो परचेज करेंगे एंड आपको उसके कमीशन मिलेगी। दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे, लिटरली अ वेरी गुड वे। नंबर 4th होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, दैट इज इट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कॉलेज स्टूडेंट्स तक को ही चाहिए होती है, खासकर कॉलेज बुक्स। तो आप अपने किसी सीनियर से जो पास आउट हो चुका है, जिसको वो बुक्स नहीं चाहिए, उससे वो बुक्स कम प्राइस में खरीद के अभी वाले स्टूडेंट्स को दे सकते हो। अब आप सोचो, ये अगर मैं हर एक चीज पे एप्लीकेबल करना शुरू कर दूं, ये किसी भी चीज पे हो सकता है, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसी भी एक चीज के ऊपर आप ये कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा और उसको उस टारगेट ग्रुप में बेच दिया जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है। इसका तरीका बस एक होता है कि जहां पे जिस चीज की डिमांड नहीं है वहां से लो प्राइस में उठाया, और जहां पे डिमांड ज्यादा है, उस चीज की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे आपने उसको हायर प्राइस पे सेल कर दिया। नंबर 5th पॉइंट है पेड सर्विस या फिर प्रोजेक्ट्स। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, इंक्लूडिंग गूगल, जो आपको सर्वे फिल करने के पैसे देते हैं। मतलब अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में हो, गाड़ी में हो, कैब में हो, ऑटो में हो, आप बैठे बैठे उसको अपने फोन से सर्वे को फिल कर सकते हो एंड यू कैन मेक मनी। आप आगे भी और लोगों को ये करने के लिए बोल सकते हो। जस्ट गूगल पेड सर्विस, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पे सर्वे फिल करने के आपको पैसे मिलेंगे। और साथ ही साथ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी है, कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ बस रिमोट वर्क के प्रोजेक्ट्स है, जहां पे आप उनको कंप्लीट करोगे विद इन 4 days, 5 days, 6 days एंड यू गेट अ गुड चंक ऑफ स्टाइपेंड। तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग गुड मनी। नंबर 6th है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर के अंदर जाके एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप इजिली जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम। इसमें क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे बिल्ड होंगे,
आपको एक ऑफिस एनवायरनमेंट की फीलिंग पहले से मिल जाएगी इन कॉलेज इटसेल्फ, और साथ ही साथ इसकी सैलरी तो आपको मिल ही जाती है। बहुत लोगों को यह भी पता होगा कि कॉलेज के बाद कॉल सेंटर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलना इतना मुश्किल नहीं है। कॉल सेंटर्स यूजुअली सिलेक्ट पीपल इजीली, बहुत आराम से वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। बस आपके बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, बेसिक। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश या बहुत अच्छा फ्लो या कुछ भी आना जरूरी है, बेसिक होगा, उसको शुरू करोगे, बाद में बहुत कुछ ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। दिस इज अनदर वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग मनी इन कॉलेज। लेकिन एक सेकेंड रुको, ऐसी कुछ गलतियां भी होती है जो हम लोग कॉलेज में कर देते हैं बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई है जो आप चेक कर सकते हो कि ऐसी कौन सी गलतियां थी जो मैंने कॉलेज में करी और आप उनको आराम से अवॉइड कर सकते हो। जाके देख के आओ, बहुत मजा आएगा उसके अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।